सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है प्रियंश और आप सब देख रहे हो हैकिंग इस वीडियो। सो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कार्डियन के बारे में। कार्डियन होता क्या है, कार्डियन प्रोडक्ट हमें बाइक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कार्डियन के रिलेटेड कितनी क्वेश्चन है, जो आईफोन है हमें 90,000 20,000 में कैसे मिल जाता है, डीएसएलआर 30,000 40,000 का हमें 10,000 20,000 में कैसे मिल जाता है, इसका कार्डियन रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन है आज सब इस वीडियो में कवर करूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को तो कंप्लीट देखें। तो फ्रेंड प्लीज़ इस वीडियो को देखने पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हैकिंग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड बात नहीं कार्डियन को रिलेटेड करता हूँ कि कार्डियन होता कैसे है, आगे कार्डियन होती कैसे। तो कार्डियन सबसे पहले एक्सप्लेन करो कार्डियन होता क्या है। तो कार्डियन आप ऐसे समझ लो ना, कैसे कोई बंदा होता है, वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लोगों के क्रेडिट कार्ड को इन्फॉर्मेशन ही चुराते हैं। सपोज मेरे पास क्रेडिट कार्ड दिख रहा है, अगर कोई मेरा इन्फॉर्मेशन ले ले तो कोई बंदा वो भी यूज़ कर सकता है। मतलब मेरा ऐसा नहीं, मेरी बस प्राइवेसी मेरे कार्ड पर नहीं होती, मेरी प्राइवेसी जब मेरे पास कार्ड है मैं जब तक प्रोटेक्ट कर सकता हूँ उतनी मेरी प्राइवेसी रहती है। अगर किसी बंदे ने मेरे क्रेडिट कार्ड चुरा लिया, अगर उसको मेरा CVV नंबर, मेरी पर्सनल बिलिंग एड्रेस पता है, तो वो मेरे कार्ड की यूज़ करते वो ऑनलाइन कोई चीज़ बाय कर सकता है, पे कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो मेरे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज़ करके। तो प्रॉब्लम यहाँ कार्डियन में ये होती है ना, मतलब कार्डियन में आपने मैंने कहीं शॉप में गए, कोई ATM में मशीन यूज कर रहा हूँ, सपोज उस मशीन में कुछ ऐसा डिफॉल्ट है या कुछ हैक ब्लैक हैकिंग ग्रुपों या हैकरों के ग्रुपों ने उसमें कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण वो उस गाड़ी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वो लोग के पास चली जा रही है। समझ लो कोई बंदा एक तरीके एक हैकर है, दो हैकर मतलब वो लोग हैकर कुछ और ही होते हैं, कार्ड रखते हैं। सपोज उन लोग कैसे भी है नहीं, और किसी के पास मेरी कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, मेरी डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन उसके पास चली गई, मेरा अकाउंट नंबर, मेरा CVV नंबर, मेरा बिलिंग एड्रेस उसके पास चला गया, उसको मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन पता चली। तो पता वो करता ही है ना, वो मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन को ले लेता है और फिर वो साइट पर जाता है, बहुत वो साइट पर मेरी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बेच देता है। बेचने का मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन बेचने का मतलब, सपोज उसने मेरी कार्ड की उसने ऐड बेचा तो मेरे कार्ड में बैलेंस है 50,000 का, और उस कार्ड को बेच देता है 5,000 में या 10,000 में बेच सकता है वो बंदा, उस डिपेंड करता है बंदे पर वो बात वो कार्ड को कितने में बेच रहा है। तो उसने सब लोग बहुत सारी ऐसी साइटें आती है जो इस सब कार्ड को बाय करके, मतलब आप अगर अगर आप गूगल पर जाके लिखोगे बाय ये क्रेडिट कार्ड वैलिड CC वैलिड क्रेडिट कार्ड या लाइफ क्रेडिट कार्ड, तो बहुत सारी साइटें मिल जाती जो मिल जाएंगी, डीप वेब की साइटें रहती हैं जो वो क्रेडिट कार्ड को आप तो ऑनलाइन वो बाइक दिखा देती हैं। आप उन सब साइट पर जाके ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड बाइक कर जाते हो जिसमें कुछ बैलेंस रहता है, तो होता है इनको कार्डर बंदा किसको कहा जाता है, कार्डर को जाता है उन सब साइटों पर जाता है। ऐसे मैं अपनी बात पता मैं कार्डर होने में बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे कुछ कार्डिन करने हैं तो मैं साइट पे जाऊँगा validcc.com पर, जहाँ मुझे बहुत सारी कार्डें लाइफ CC कार्ड क्रेडिट कार्ड की और डेबिट कार्ड की कार्डें मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर उसको बाय कर लूँगा। वो उससे अंदर बैलेंस रहता है 50,000 का बैलेंस रहेगा, तो वो कार्ड मुझे 20,000 या 10,000 वो मुझे ऑनलाइन परचेस मिल जाएगी, मतलब मैं उसको 10,000 उसको बाय कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे लिमिटेड टाइम मेरे को रहती है उस कार्ड को यूज़ करके ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, बिकॉज अगर वो बंदे को कार्ड का ऑनर को पता चल रहा है तो कार्ड को ब्लॉक कर देता है। सपोज मैं साइट पे गया, मैंने कार्ड बाइक कर लिया, बाइक करने के बाद मैं कार्ड करूंगा ये तो मैं जाऊंगा किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर, अमेजोन हुआ, पेपाल हुआ, मतलब पेटीएम मॉल हुआ, ईबी हुआ, कोई भी ई कॉमर्स साइट पर जाऊंगा हाउस कार्ड, बिकॉज उस कार्ड का यूज़ मैं कुछ ऑफलाइन करने चाहता, मैं उस कार्ड को यूज़ कुछ प्रोडक्ट बाय करने के लिए कर सकता हूँ, ऐसे उस कार्ड का यूज़ नहीं कर सकता। तो किसी भी साइट पर चला जाऊँगा अमेजोन कोई भी साइट पर चला जाऊँगा और फिर मैं प्रोडक्ट बाय करूँगा। मैंने जो कार्ड 20,000 का खरीदा उसमें 50,000 का बैलेंस है, तो उस 50,000 का बैलेंस मैं DSLR अपने लिए ऑर्डर करूँगा और हाउस और वही सारी बिलिंग इन्फॉर्मेशन फिर ऐड करूँगा और अपना एड्रेस दे दूँगा, मतलब अपने घर के दूर का एड्रेस दे दूँगा, अपना एड्रेस नहीं दूँगा, बिकॉज अगर किसी ने इन फ्यूचर किसी ने कुछ कंप्लेंट किया तो मुझे पकड़ा जा सकता है, इसलिए मैं उसमें अपनी एड्रेस से नहीं दूंगा। कोई बात हो गई, मैं अपनी एड्रेस मतलब वो प्रोडक्ट मैंने दूसरों की कार्ड को बाय करके अपनी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लूँगा, फिर मैं ऑर्डर ले लूँगा। तो एक सारे मैटर को कार्डन कहते हैं, मतलब दूसरों की कार्डें चुराई हुई कार्डों के ऑर्डर प्लेस करना, प्रोडक्ट मंगवाना, तो कार्डन कहते हैं, जो काम सेल करते हो तो कार्डर कहते हैं। तो आप कार्डिन और कार्डर समझ गए। हम आते हैं कितने व्हाट्सएप मैसेज, तो फेसबुक मैसेज कितने हम लोग को आता है, व्हाट्सएप में किसी ने बंदे ने मैसेज किया भाई मेरे अगर आप तो व्हाट्सएप मतलब आईफोन ऐसा ही है तो आप मेरे को मैसेज करो, या आप तो किसी पूरे प्रोडक्ट का लिस्ट दे देते हैं उससे बगल में दाम प्राइस लिख लेते हैं, अब बोलते हैं अगर आप तो प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे पर्सनल मैसेज करें, उससे लिए आपको 50% पेमेंट करना जरूरी था। तो मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे कल एक व्हाट्सएप में मैसेज आया था,
जिसमें कोई बंदा था वो iPhone S 90,000 आईफोन एस को वो 40,000 में बेच रहा था, कार इन प्रोडक्ट लिखा हुआ था। तो मैंने मुझे पता था ये सब सारी चीज़ें फेक होती है, मैं पहले बता रहा हूँ सारी चीज़ें फेक होती है, इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पाना, जो पढ़ते हैं उनका पैसा चला जाता। तो वो मैंने उसको मैसेज किया, हाँ भाई मुझे कार इन प्रोडक्ट चाहिए, मैं देखने के लिए ट्राई करने के लिए देख रहा था, तो लोग रिप्लाई कैसे करते हो क्या होता है। तो मैंने उसको मैसेज किया मजे में किया मैंने, हाँ भाई बता मुझे चाहिए प्रोडक्ट। वो सकता है भाई मुझे अगर वो 40,000 का आईफोन बेच रहा तो मुझे बोलता है 20,000 तो मुझे पहले ऑनलाइन पे कर दो, मतलब ऑनलाइन पे मतलब मेरे पेटीएम में भेज दो, फिर से मैं तुम्हें स्क्रीन शॉट, वो लोग बोलते हैं स्क्रीन शॉट या वीडियो बनाकर भेजेंगे ऑर्डर का। ओके तो बहुत सारे रहते हैं नए नए यूजर होते हैं जो इन सब चीज़ों पर विश्वास कर लेते हैं, वो ऑर्डर पेमेंट कर लेते हैं। ओके पेमेंट करने बाद होता ये है ना, वो बंदा आपका आप तो स्क्रीन शॉट भेजता है, हाँ ऐसे बात नहीं स्क्रीन शॉट नहीं भेजता, स्क्रीन शॉट आप तो भेजता है, स्क्रीन शॉट भेजने या वीडियो बनाकर भेजता है। ओके उसके बाद वो आपको दिखाता है, हाँ आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, फिर थोड़ी देर बाद आपको एक मैसेज आता है योर ऑर्डर इज कैंसल, मतलब आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। फिर तो आप उसको मैसेज करते हो भाई मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो बंदा आपको रिप्लाई नहीं करेगा, बिल्कुल आपको ब्लॉक कर देता है, इसका मतलब ये हो तो आपको पैसा लेकर वो भाग देता है, फिर तो आपको पैसा मिलेगा नहीं, तो आप भूल जाओ आप तो पैसा वो लेके भाग गया। तो ये मैं सिंपली और ओवरऑल बात यही सेम है, कितने भी आपको ऐप भी में वहाँ से में कितने भी लोग मिलते हैं ऑनलाइन वाले बोलते हैं ना कार्डिन प्रोडक्ट में बाय सेल करता हूँ, सब फेक होता है, वो तो मोबाइल का फोटो को नोट भेजते हैं सब वो फेक होती है। इन सब चीज़ों को विश्वास मत करो, अगर आपने ये सब किया तो आपके पैसे डूबे ही डूबे, पैसे नहीं मिलने वाले, कभी पैसे नहीं मिलते हैं, तो इस समय पैसे आपको डूब जाएगा तो आपको पैसे वापस मिलेगा नहीं। तो हो गया ये बात, तो अब भाई मैं तो इतना ही कहूँगा ये सब फालतू चीज़ें हैं, अगर रियल कार्डर वही बनता होता है जो अपने लिए कार्डिन करता है दूसरों के लिए नहीं, कार्डर इलीगल होता है, अगर आप कार्डिंग करके पकड़ा जाते हो तो आप तो केस हो जाएगा, आप जेल चले जाओगे या पर बहुत ज़्यादा फाइन बैठ जाएगा। ये कार्डिंग मतलब कार्डिंग बहुत इलीगल है, ये सब चीज़ों से दूर ही रहो, इन सब चीज़ों में मत पड़ो, बिकॉज ये सारी चीज़ें हम लोग को पैसे लुटने के लिए, जो बंदे कहते हैं ना कार्डिन हम कर कार्डिन के बहुत ज़्यादा, तो ऐसे होता है वो कार्डिन के PDF बेचते हैं, बताते हैं मेरे को मैं कार्डिन करना सिखाऊंगा, अगर कार्डिन करना सीखना कोई बड़ी बात नहीं, आप सिंपली सीख सकते हो, सीखना की यार ये इलीगल चीज़ हो, अगर इन्फॉर्मेशन के लिए सीखना चाहते हो तो अच्छा है, पर ऐसे कार्डिन करने के लिए सीखना चाहते हो तो मत करो, बहुत इलीगल तुम फंस जाओगे, और सिक्योरिटी बहुत अपग्रेड हो गई है, इतना इजी नहीं आप करके कार्डिंग कर लिया प्रोडक्ट रख लिया पैसे लेके भागे, तो इन सब चीज़ों में मत पड़ा करो, कार्डिंग बहुत इलीगल चीज़ें होती है, और कौन कार्डर बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें प्रोडक्ट ला के दूंगा 100% गारंटी, सब सब फेक है, सब सारी चीज़ों मत पड़ो, 20% 20% पेमेंट पहले दे दो, फिर 50% प्रोडक्ट डिलीवरी होने के दिन करो, सब मत पड़ो इन सब चीज़ चक्करों में, तो अगर तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे। ओके तो आइए अब तुम्हें कार्डिंग क्या होते हैं, कार्डर क्या होता है, कार्डिंग प्रोडक्ट बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तीनों चीज़ समझ आ गई होगी। तो आई होप तुम अपने ध्यान रखोगे अपना, अब प्लीज़ किसी भी हालत में भी कार्डिंग के चक्कर में मत पड़ना, कोई कार्डिंग गार्डिंग इन सबका मतलब बकवास चीज़ें हैं, इन सब का कोई फ्यूचर नहीं है, अगर तुम प्रोडक्ट बाय भी कर लेते हो ना तो अगर कार्ड होल्डर केस करके तुम्हें पता कर लेते हैं तो तुम फंस जाओगे। ओके तो प्लीज़ इन सब चीज़ों में मत पढ़ो। ओके आई होप तुम्हें सब आप सबको इस वीडियो पसंद आया हो, अगर आप वीडियो प्लीज़ मैं बहुत दोबारा कह रहा हूँ वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो शेयर करो, हमारे अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल हैकिंग से लोगों नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल हैकिंग से लोगों को सब्सक्राइब कर लो, और कार्डिन के चक्कर में मत करो। ओके बाय।